हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। आई एम जितेंद्र कुमार। पीपल है क्या? पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू यूनिवर्सिटी का एग्जाम को प्रिपरेशन कराता है। फ्रेंड्स, आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, हम आपको टॉपिक ये सिलेबस के बारे में बताए थे जो क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क होता है क्या, हम लोग क्वेश्चन से समझने को प्रयास करेंगे। क्वेश्चन जैसे एक पर्सन जो है, ए एक पर्सन है, मान लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन जो है, ए एक पर्सन जो है 30 डेज में करता है। अब बी पर्सन जो है, आपका पर्सन बी जो है, ये एक काम को कितने डे में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहा है। क्वेश्चन आता है कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी देखिए, यहाँ ए प्लस बी ये कितने दिन में करेगा, तो हम लोग ये जानने के करेंगे कि कोई सेम वर्क है, सेम एक वर्क है जो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है, एंड बी कितने दिन में, 20 डेज में कर रहा है। सेम वर्क का अलग अलग सेम वर्क है, वही क्वेश्चन में ए प्लस बी वो काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों, हम लोग पहले तो काम लेकर जाना है, हम तो इसमें क्या करते हैं, काम को कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग मान देते हैं, कुछ भी मान लीजिए। एक काम है, ये है एक जो एक फील्ड है, ये फील्ड है आपका, ये फील्ड है। ये एक पर्सन जो है, ये 30 डे में इसको जो भी फसल को काटता है, और बी पर्सन है यही फसल को, सेम फसल को ये कितना दिन में कर रहा है, 20 डेज में करता है। और ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर करेगा ये फसल को करेगा, तो कुछ तो टाइम कम लगेगा। तो मानते हैं ये फसल जो है, मान लेते हैं एक दिन में जो एक फसल है, एक है यूनिट, एक है, एक हम मान लेते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी आप मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो हम मानते हैं एक है। तो एक कितने दिन, एक काम को कितने दिन में किया, 30 डेज में किया, और ये एक काम को कितने दिन में किया, 20 डेज में किया। तो हम ये देखेंगे कि एक दिन में ये दोनों काम कितने कर रहे हैं, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एक काम को कितने दिन में, काम मेरा वर्क कितना है, 1 है, वर्क कितना है मेरा, 1 है, तो 1 वर्क को ये जो है 30 डे में कर रहा है। तो पहले हम एक दिन में ये वर्क को कितना कर रहा है ए को देखेंगे। तो टोटल वर्क मेरा 1 है, तो 1 डिवाइडेड कितने से, डे नंबर ऑफ डे कितना ले रहा है, ये 30। ये पर्सन जो है एक काम को, ये जो है, ये एक दिन में 1/30 भाग वो काम को कर पा रहा है। और वही बी जो है, बी आपका हुआ, बी जो है, तो काम वर्क मेरा कितना है, 1 है, 1 वर्क है, वो कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। तो हम देखेंगे एक दिन में वो कितने काम कर पा रहा है। तो एक दिन में ये काम कितना है, 1 है, वर्क कितने कर रहा है, 20। तो ये पर्सन बी जो है, एक दिन में, 1 डे यहाँ पर लिख सकते हैं समझने के लिए, 1 डे है फ्रेंड्स, 1 डे में आपको कितने काम कर रहे हैं, ये पर्सन ए है 1 डे में 1/30 कर रहा, और पर्सन बी है जो 1 डे में 1/20 की है, 20 के। अब देखे, हमें निकाला ए प्लस बी ये काम को कितने दिन में कर रहा है, ये जो खेत है, एक काम माने थे ये कितने दिन में किया, तो ए प्लस बी है ये कितने दिन में किया, तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 1 डे में वो काम, एक दिन में कितने काम कर रहा है, 1 डे में ए प्लस बी कितने काम कर रहा है, 1 डे में। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 1 डे में ये कितने काम कर रहा है, 1/30 ये कितने काम किया, 1/30 आपका हो गया। ये बी कितना हुआ, तो बी प्लस है, तो ये प्लस का साइन देंगे, अब बी कितना हुआ, 1/20, तो 1/20 यहाँ पे लिखा, 1/ आपको क्या लिखेंगे, 20। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आगे इसको आप सॉल्व कीजिएगा आगे, तो इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो 30 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 20 और 30 का एलसीएम आप लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना होता है, 60 एलसीएम होता है फ्रेंड्स। हम आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये कितना हो गया, वर्क आपका हो गया 60 वर्क हो गया। फिर इसको डिवाइड देंगे, ये डिवाइड दीजिएगा, तो डिवाइड कितना हो जाएगा, कर जाएगा 2 डे में, 32 ये 2 हो जाएगा, आइए कितना हो जाएगा आपका, इससे डिवाइड दीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5/60। यानी ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर ये काम को करता है, तो एक दिन में ये काम को 5/60 कर ले रहा है। और यहाँ देखें तो उसी काम को हमको करना, एक काम को मुझे
कितना दिन में करेगा। तो एक काम को अगर कितना दिन में करेगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक काम को एक कितना दिन में करेगा, तो यहाँ से टोटल वर्ड मेरा कितना है, अगर यहाँ से आपको देखना चाहिएगा तो यहाँ पे देखिए टोटल मेरा कितना वर्ड है, टोटल वर्ड तो मेरा वन है, टोटल वर्ड तो वन है। एक दिन में काम कितना किया, एक दिन में टोटल काम कितना किया, अगर टोटल वर्क वन है, एक दिन में काम कितना किया 5/60, दोनों मिलकर 5/60 के यहां 5/60 कर देंगे। ये 60 क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा, तो 60 बाय क्या हुआ 5 ये हो गया आपका 12 डेज, ये आपका क्या हो गया 12 डेज हो गया। फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन को देखे थे, अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, हम ये क्वेश्चन को इतना तो टाइम में इंट्रेंस एग्जाम में होता नहीं, ये टाइम का बहुत कमी होता है, तो टाइम को देखते हुए कुछ हम लोग वीकली और कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानिए 8-9 क्लास में ये जो अभी बताया था ये कॉन्सेप्ट आ जा चुके हैं। अभी हम कुछ टाइम इसको थोड़ा टाइम कम लगे आपको क्वेश्चन को बनाने। देखिए फ्रेंड्स ये जो काम था अभी हम बताए थे कि एक ही क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो था 30 डेज में, अभी कितना देर में था, ये जो था आपका 20 डेज था। ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा ये हम देखेंगे। तो अगर ट्रिकली लेकर चलेगा तो क्या होगा, अगर हमें यह बोल सकते हैं ट्रिकली बोल सकते हैं ट्रिक्स बोल सकते हैं कुछ भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बोलते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट अप्रोच तक हमें कैलकुलेशन से बचने के लिए एलसीएम से बचने के लिए डायरेक्ट अप्रोच तक हमें पहुंचना है। तो हम क्या करें, ए प्लस बी अगर 2% हो, एक बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि अगर 2% होना चाहिए, 2% सेपरेट काम करना है, तो ये हम अप्रोच को लगा सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं 2% के लिए। थर्ड पर्सन होता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो 2% के लिए देखते हैं। तो 2% तो क्या करना है, 2% तक ए प्लस बी अगर 2% हो तो हम क्या कर देते हैं, ए इंटू बी और ए प्लस बी, ये अप्रोच से ओनली 2% से हम ये आंसर पर डायरेक्टली आंसर तक हम पहुंच जा सकते हैं। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम डायरेक्टली आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। हम देखते हैं बनाकर इससे मेरा, तो एक कितना दिन में हुआ 20 डेज, देखिए एक कितना दिन हुआ 30 डेज हुआ, तो 30 इंटू का साइन था इंटू, हम बी कितना दिन हुआ 20 डेज दिए, और यहाँ पे 30 प्लस 20 हम करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा नीचे ये 50, 0 से 0 कैंसिल होता है, ये 5 से 4 टाइम्स में हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपको सॉरी यहाँ से थोड़ा एरर हो गया, यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना हो रहा है 30 इंटू कितना हो जाएगा 20, तो 30 इंटू 20 ये 50 हो जाएगा, तो ये कितने जाए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 30 इंटू 2/5, 30 इंटू 2/5 जो हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, तो यहाँ बचा 6 इंटू 2 आपका हो गया 12 डेज, यानी ए जो बी था, देखिए हाँ ए जो बी था ये 12 डेज में कर दे, जो पहले हम लोग बेसिक से समझा, और यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो रहा, हम थोड़ा 2 स्टेप बढ़ गए हैं कम टाइम में, इसमें विदिन आपको 3 से 5 से 10 सेकेंड में ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। है फ्रेंड्स जैसे हम लोग देखे कि ये ए और बी 2% था काम को जो कर रहा था सेम कैसे, तो हम एलसीएम जो ट्रिकली मेथड के द्वारा बता रहे, लेकिन जब अब 3% हो या 4% हो तो ये ट्रिक से हम लोग कॉन्सेप्ट से नहीं जा सकते, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ऐसे हम लोग मेथड कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जो सर क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए ए और बी था, तो ए कितने दिन में कर रहा है, ए कोई काम को 30 डे में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 20 डे में कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं तो वर्क पता नहीं है कि वर्क कितना है, तो वर्क तक में पहुंचने के लिए क्या करना होता है, इसको हमें एलसीएम लेंगे, ये वर्क तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे इसे एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे आप लीजिएगा 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा फ्रेंड, तो आप लोग को जानते हैं 20 एंड 30 का एलसीएम क्या होता है 60 होता है, तो 60 मेरा क्या आया, 60 मेरा क्या हुआ वर्क आया, तो 60 जो वर्क आया ये 60 मेरा क्या आया वर्क आया, 60 मेरा वर्क आया, यही जो वर्क था आपका, ये वर्क 60 जो था ए कितने दिन में कर रहा था 60 वर्क को 30 डे में कर रहा था, अब बी कितने दिन में कर रहा था 60 वर्क को 20 डे में कर रहा था, हमें ये करना है कि ए बी यही सेम वर्क को साथ करेगा, एक साथ करेगा तो वो कितने दिन में करेगा, तो ए और बी है, तो ए और बी साथ करेगा तो क्या, तो ए का एक दिन का वर्क निकालेंगे और बी का एक दिन का वर्क निकालेंगे कि एक दिन में कितना करता है, दोनों का वर्क को ऐड करते हैं इसमें हम डिवाइड कर देंगे, जैसे ए हुआ तो ए वन डे में कितना करता है, वन डे में ए कितना कर रहा है, तो वन डे में आपका ए कर रहा है टोटल वर्क, वन डे का निकालेंगे तो टोटल वर्क आपका हो गया 60,
ये ए कितना किया 30, इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितना दे हम 2 डे 2 वर्ड, कितना दिन, ए एक दिन में कितना वर्ड किया 2 वर्ड किया। अब बी कितने दिन में किया, बी जो है एक दिन में कितने वर्ड कर पा रहा है, बी जो एक दिन में आपका कर पा रहा है आपका 60/20 आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 वर्ड, यानी 3 वर्ड W for word, ये हुआ। अब हमें पता है कि A plus B हमें निकालना है कि A plus B कितने दिन में कर रहा है, तो A और plus B, तो A plus B क्या हुआ, A plus B जो है 1 डे में कितना कर पा रहा है, 1 डे में आपका एक दिन में कितने कर पा रहा है, तो एक दिन में 2 वर्ड यहाँ हुआ, 3 वर्ड यहाँ हुआ, तो टोटल 2 वर्ड + 3 वर्ड आपका हो गया 5 वर्ड, एक दिन में 5 वर्ड टोटल वर्ड मुझे कितना करना है 60, एक दिन में अगर ए प्लस कर रहा है तो 5 कर रहा है, तो हम क्या करेंगे टोटल वर्ड को एक साथ करना, टोटल वर्ड बाई ए प्लस बी, तो टोटल वर्ड हो गया आपका एक दिन में ए प्लस बी कितने करेगा, तो ए प्लस बी आपको करेगा तो 60 वर्ड हुआ, वर्ड बाई डे जितना होगा तो टोटल वर्ड 60 हो गया, टोटल वर्ड आपका 60 हुआ, ये 5 आपका हो गया, तो ये आपका होगा 12, ये 12 डे में करेगा। दोस्त ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 1% 2% के लिए, 2% से more% के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट से हम फाइनल अप्रोच आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए अब देखते हैं जो लोग हम कॉन्सेप्ट सीखे थे उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन है। ए एंड बी डज अ वर्क इन 30 days and 90 days, ए और बी है जो एक काम को 30 days में करता है और 90 days में करता है respectively, if they work together then find the required number of day, अगर एक साथ वो काम करता है तो कितने दिन में करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ए और बी बोल रहा है कि ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करता है, एक साथ करेगा क्या, एक साथ अगर करेगा तो वो कितने दिन में करता है, तो हम क्या सीखे थे अभी ए पर्सन ए कितने दिन में कर रहा है, पर्सन ए जो है आपका 30 days में कर रहा है तो 30, पर्सन बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है 90 days में तो 90। अब ये दोनों को क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या होगा, दोस्त हमें एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ये आपका 90, ये 90 जो हुआ आपका टोटल वर्ड हुआ, टोटल वर्ड ठीक। अब ये टोटल ए कितने दिन में कर रहा है, ये 90 वर्ड को कितने दिन में किया 30 डे में कर रहा है, अब बी के जो है 90 वर्ड को कितने दिन में किया ए 90 डे में कर रहा है, 90 वर्ड को कितने दिन में किया 90, हम देखते हैं कि ए कितने दिन में करेगा, तो एक काम को कितने दिन, तो ए जो हम करेंगे एक जो आपका टोटल वर्क 90 आपका आया, टोटल वर्क कितना आ गया आपका 90, टोटल वर्क 90 कितने 30, एक दिन में टोटल 90 वर्ड था, टोटल कितने दिन में कंप्लीट करता है 30 डेज में करता है, तो एक दिन का डिफरेंस से आपका कितना हो गया, तो इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, इसका आपका 3, यानी एक दिन में वो कितने डिफरेंस से आपका एक दिन में 3 का डिफरेंस से वर्क कर रहा है, वही बी उसी तरह से हम करेंगे, ये 1B हुआ 90 प्लस क्या कर देंगे 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना दिन में हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और हम देखते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अब काम को करता है ए और बी, ए प्लस बी ए कितने काम को कर दिया एक दिन में 3+1 काम कर दिया, तो कितने 3+1 काम कर दिया, तो एक दिन में कितने काम हो गया 4 एफिशिएंसी से हो गया, तो काम बोल सकते हैं आप, तो हम ए प्लस बी टोटल हम करना है, तो ए प्लस बी टोटल वर्ड को एक साथ अगर करेगा तो कितना टोटल वर्ड मेरा कितना है 90, और टोटल एफिशिएंसी कितना मेरा हुआ 4 हुआ, टोटल एफिशिएंसी मेरा कितना हुआ 4 हुआ, तो 4 का एफिशिएंसी की जाए तो इसको सिंपलीफिकेशन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, इसको कीजिएगा था 45/2, अगर इसको प्रॉपर है तो इसको और ये कर तोड़ सकते हैं, ये कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 22/2, यानी ए प्लस बी अगर दोनों काम को करता है, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करता है तो ये कितने दिन में कर देगा, ये कितने दिन में कर देगा 22/1/2 days में, ये टोटल वर्ड को क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, एक पर्सन है ए एंड ए बी एंड सी डज अ वर्क इन 10 days, 12 days and 15 days, ए और बी और सी तीन पर्सन है जो 10 days, 12 days and 15 days में एक वर्क को करता है, इफ दे वर्क टूगेदर देन फाइंड द नंबर ऑफ डे, अगर वो ए बी एंड सी तीनों मिलकर एक साथ अगर काम करता है तो वो कितने दिन में करता है। फ्रेंड हम क्या चलते हैं यहाँ ए बी और सी, ए कितने दिन में है 10 days,
बी कितने दिन है 12 डेज एंड सी कितने दिन है 15 डेज। ये तीनों का एलसीएम लेंगे मैंने कितना तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं 10, 12 and 15 का अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा। टोटल वर्क मेरा कितना ये जो हुआ मेरा टोटल वर्क है टोटल ये टोटल मेरा वर्क है। तो ए जो है मेरा ए 10 डे में करता है 60 वर्ड को, बी कितना करता है 60 वर्ड को 12 डेज में करता है एंड सी कितना करता है 60 वर्ड को 15 डेज में करता है। तो एक दिन में कितना करता है तो एक दिन में तो ये 60 से हम डिवाइड करेंगे एक का अगर निकालेंगे ए का निकालेंगे हम एक अगर एक दिन का निकालेंगे तो 60 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा ये 6 हो जाएगा एक कितने दिन में करता है 6 आ जाएगा। उसी तरह अगर बी को निकालेंगे बी को अगर निकालते हैं तो बी कितना हो जाएगा आपका टोटल वर्क 60 है और 12 एक दिन में कितना हो गया आपका 5 आ गया। उसी तरह अगर हम सी को निकालते हैं तो सी मेरा क्या हो गया वो टोटल 60 है वर्क एक दिन में कितना कर रहा है 15 कर रहा है इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 हो गया। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में करता है तो तीनों का डिफरेंस देखें ए 6 + 5 + 4 ये कितना है 15 कितना 15 वर्क कर दिया ठीक और टोटल वर्क मेरा 16 है। तो टोटल वर्क ए प्लस बी अगर टोटल काम को करता है ए प्लस की टोटल वर्क तो टोटल वर्क ये 60 जो मेरा हुआ टोटल वर्क हम यहाँ नहीं लिख रहे टोटल वर्क ये टोटल 60 टोटल वर्क और 15 जो आया मेरा कितना टोटल इफेंस से आया ये अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये मेरा होगा ये कितना हो जाएगा 4 डेज। ये ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर दे ए प्लस बी मिलकर आपको ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 12 डेज में ये काम को कंप्लीट कर दे। यहाँ एक और देखेंगे कि ये सेपरेट वर्ड को करता था तो अलग अलग 10, 12 और 15 लेकिन अगर तीनों मिलकर कर रहा था हमेशा ये जो रिजल्ट आएगा आपको 4 आएगा ये 4 आएगा आपका हमेशा छोटा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं A can make a pair of socks in 3 days and 9 days. If both of them work together, then 2 pair of socks will be made in. बोल रहा है कि A जो है एक pair socks को कितने दिन में करता है 3 days में करता है और B जो है एक pair socks को कितने दिन में 9 days में करता है 9 days और 3 days. और आगे क्वेश्चन अगर ये दोनों both of them work together, then 2 pair of socks टू पेयर ऑफ सॉक्स विल बी मेड इन दो पेयर सॉक्स को कितने दिन में करता है। फ्रेंड्स जो हम कॉन्सेप्ट सीखे उस कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो ए एक पर्सन है पर्सन ए जो है पर्सन ए और पर्सन बी पर्सन ए जो करता है कितना दिन में करता है 3 डे में कर देता है पर्सन बी कितने दिन में करता है 9 डे में करता है। हम ये दोनों को क्या करें वर्क तो मुझे पता कितना कितना पेयर बनाता है तो इसको हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे ये अगर एलसीएम लिए तो यहाँ से मेरा कितना निकल जाता है टोटल वर्क आ गया टोटल जो भी आया पेयर आया मेरा 3 और 9 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 और 9 का एलसीएम आपका कितना था 9 आता है 3 और 9 का एलसीएम कितना हुआ 9 हुआ तो टोटल 9 हुआ तो एक पेयर में कितना 9 बना रहा है तो आप बताया जा रहा है कि 3 डे में इतना करता है और 9 डे में इतना करता है तो ए एक डे में कितना करता है तो इससे आप डिवाइड कीजिए तो ए टोटल एक डे में कितना किया 1 डे में आप निकालिए 1 डे में अगर करता है तो 9/3 ये कितना हो जाएगा 3 और बी जो है आपका बी आपका हुआ तो बी कितने दिन में करता है 1 डे में बी आपका हुआ 1 डे में कितना होगा 9/ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9/9 देखिए और a प्लस बी और दोनों मिलाकर a प्लस बी कितने किया 3 + 1 किया 4। फ्रेंड्स यहां देखेंगे यहां बोला है कि 1 pair 9 बराबर 2 pair करना होगा तो 2 pair हम करेंगे यहां 1 pair जो 9 हुआ था 2 pairs हमें करना है 1 pairs इक्वल टू 1 pairs इक्वल टू आपका 1 pair 9 है
वन पेयर किसके नाइन के बराबर है, तो हमें टू पेयर वर्क को करवाना है, टू पेयर ऑफ सॉक्स, यहाँ तो वन पेयर का निकालना है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो वन पेयर में करना, टू पेयर में करना हो, वन पेयर में नाइन किया तो टू पेयर में उससे दुगना हो जाएगा, तो हमें टू पेयर में कितना हो जाएगा, तो नाइन इंटू टू कर देंगे कितना हो जाएगा मेरा एटीन, टोटल एटीन सॉक्स को बनाने में कितना देता है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी एटीन सॉक्स को बनाने में कितना करता है, एटीन बाई कितना, ए प्लस बी के वजह से कितना हुआ, फोर हुआ, तो फोर से अगर डिवाइड करेंगे और नीचे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये नाइन टाइम में कटेगा, ये कितने टाइम में कटेगा, ये टू टाइम में कटेगा, ये नाइन है फ्रेंड्स, ये कितने टाइम में कटेगा, ये नाइन टाइम में कटा, ये टू टाइम से, ये कितना हो गया आपका नाइन बाई टू, यानी 9 बाई 2 डेज में ये क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, और 9 बाई 2 को आप फिर इसको स्मॉलेस्ट में तोड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 होल 1 बाई 2 डेज, यानी इतना दिन में वो 2 पेयर सॉक्स को कितना डे में कंप्लीट कर देगा, 4 होल 9 बाई 2। फ्रेंड्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 7 डेज एंड बी कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 7 डेज, ए भी 7 डेज में कर रहा है और बी भी 7 डेज में कर रहा है, अब पूछ रहा है कि अब दोनों इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर विल दे डू द सेम वर्क, अगर वो एक साथ कितने दिन काम करेगी, वो सेम वर्क एक मतलब साथ में काम करेगी, वो कंप्लीट कर ले फ्रेंड्स, तो फिर इसी कॉन्सेप्ट पर जाते हैं हम लोग, एक ही कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट हम ये लेंगे कि यहाँ सोल्यूशन जो भी होगा ए कितने दिन में कर रहा है 7 डेज, ए कितना 7 डेज, बी कितना दिन में कर रहा है 7 डेज, बी भी 7 डेज में कर रहा है फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, अब ये कर रहा है बी भी 7 डेज, हमें वर्क मुझे पता नहीं, तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जैसे ही इसका एलसीएम हम लिए तो टोटल वर्क 7 का एलसीएम 7 ही आएगा, तो 7 का एलसीएम आपका होगा 7, ये मेरा क्या हुआ टोटल वर्क है, टी फॉर टोटल अडाबल फॉर वर्क, ये मेरा टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, तो एक कितना दिन में, तो एक दिन में क्या टोटल वर्क 7 है, 7 डे में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करा, 1 डे में एक कितना किया, 1 डे में हम एक को निकालेंगे, 1 डे में एक किया तो 7 वर्क टोटल वर्क यहां होगा ऊपर, टोटल वर्क 7 एंड नंबर ऑफ डेज कितना हुआ 7, नंबर ऑफ डेज कितना हुआ 7, इसको अगर डिवाइड करें तो 1 आया, बी उसी तरह हम निकालेंगे, बी अगर निकालेंगे तो बी क्या होगा, बी 1 डे में अगर बी कितना करता है 1 डे में, ये डी है पर ये आपका क्या है डी है, तो 1 डे में कितना करता है बी, तो ये टोटल कितना है 7 बाई 7, ये भी क्या 1 इफिशिएंसी, यानी एक दिन में एक कर रहा है, अभी बी भी एक दिन में एक कर रहा है, अब देखेंगे दोनों मिलकर कितने दिन में करता है, दोनों मिलकर अगर सेपरेट सेपरेट कर रहा है तो 7 डे लग रहा है, लेकिन दोनों एक साथ वर्क करेगा तो कितने दिन लगता है, तो ए प्लस बी कंप्लीट वर्क को, एक साथ कंप्लीट वर्क मतलब कितने टाइम लगेगा कंप्लीट वर्क को करने में, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ऊपर लिखिए, टोटल इफिशिएंसी है ये जो हुआ 1, तो ए प्लस बी का यहाँ पे तो ए प्लस बी ए भी 1 और बी भी 1, टोटल वर्क मेरा 7 है, ओके ए कितना दिन में किया 1 डे में, बी भी कितना, अगर यहाँ पे अगर समझने में अगर यहाँ पे लिख देते ए प्लस बी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 1 प्लस 1 आपका हो गया 2, टू मेरा क्या आया इफिशिएंसी आया, टू मेरा क्या है इफिशिएंसी है, या आप समझने में बोल सकते हो एक दिन में एक काम किया है, बी दिन तो दोनों मिलकर एक दिन में टू काम कर दे, टू वर्क कर दे रहा है, ठीक, ए प्लस बी टोटल वर्क कितना हुआ 7, टोटल नंबर कितना हुआ ए प्लस बी वर्क किया था 2, यहाँ करेंगे तो ए कितना हो गया आपका 7 बाई 2, ये क्या है पर्सन 7 बाई 2 है, तो 7 बाई 2 इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो ये आपका आंसर हो गया, या अगर ऑप्शन में ये भी दे सकता है, दूसरा ऑप्शन में आपको क्या दे सकता है कि यहाँ पे अगर 3/2/1 ये भी दे सकता है, तो दोनों आपको आंसर आ सकता है, ये भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है रितिका कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, रितिका एक पर्सन का नाम है जो 16 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं, एंड उसका हर फ्रेंड रीना डज वर्क टुगेदर देन इट गेट कंप्लीट इन 12 डेज, ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन जो है बोला है कि रितिका एक पर्सन था, रितिका लिख ही देते हैं, रितिका कितने डे में कंप्लीट करती है 16 डेज में, एंड वो अपने दोस्त रीना के साथ
मिलकर काम करती है दोनों रितिका हर फ्रेंड्स रीना डज वर्क टुगेदर देन इट कंप्लीट इन्फ्लुएंसर अपने दोस्त के साथ कंप्लीट करते हैं तो रितिका प्लस रीना एक आर फॉर रीना समझ ये बात ये अगर दोनों मिलकर काम को करता है तो कितने दिन ले रहे हैं 12 डेज ले रहे हैं 12 डेज पूछ रहा है कि रीना कितना दिन कर गया रीना यहां निकालना है रीना का रीना कितना दिन काम किया यहाँ तो पता है रितिका को इतना दिन में काम किया रीना कितना दिन में काम किया दोस्त हम देखेंगे ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा 12, 16 और 12 का अगर आप एलसीएम लेते हैं देखिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा साफ करते हैं 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं यहाँ 12 और 16 का एलसीएम हम लेते हैं तो 12 और 16 का एलसीएम आपका आ जाएगा एलसीएम इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा 48 राइट इसका एलसीएम आ जाएगा 48 एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना होगा ये जो वर्क ये 48 क्या मेरा टोटल वर्क है 48 मेरा क्या है टोटल वर्क है मेरा टोटल वर्क कितना है 48 है टोटल वर्क टी डब्ल्यू पर टोटल वर्क ये टोटल वर्क मेरा है 48 देखते हैं कि रितिका 60 डे में 48 वर्क को करती तो वन डे में कितना करेगी तो वन डे में रितिका कितना कर रही है वन डे में रितिका कर तो टोटल वर्क ऊपर क्या होगा टोटल वर्क 48 टोटल इज 16 इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 3 इसी तरह से आप दोनों को लीजिएगा तो ये कितना दिन में कर रहा है वन डे में रीना प्लस आर आर समझ लीजिए रितिका जो भी है हमें तो पता चल गया कि रितिका इतना दिन में कर रहा है ठीक ना आर फोर रितिका पहले जो लिखी है रितिका सेकेंड आर आर रीना है समझ लीजिए तो ये 48 हुआ टोटल वर्क 48 अब बाई कितना हो जाएगा 48 बाई आपका कितना हो जाएगा 12 तो ये कितना हो जाएगा 48 बाई 12 तो इसको क्लियर ये कैंसिल कीजिएगा तो 4 डे दोस्त यहाँ देखिएगा कि रितिका जो थी रितिका ये तीन काम की रितिका कितना की तीन काम की रितिका कितना करती है यहाँ पे रितिका आपको तीन काम कर रही है यहाँ पे रितिका कितना काम कर रही है तीन अकेले तीन कर रही है प्लस ये दोनों मिलकर अगर कर रहा है रितिका प्लस रीना कर रहा है ये 4 काम कर रहा है ये टोटल मिलकर काम कर रहा है तो 4 काम करता है तो हम देखेंगे कि बता रहा है कि रीना कितना काम की तो रीना एक दिन में काम कितना कर रही है अगर अकेले करें तो ये रितिका तो अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 टोटल वर्क दोनों मिला तो 4 कर रहा है तो 4 - 3 करते हैं तो 1 काम जो हो रहा है 1 जो एफिशिएंसी या काम बोल सकते हैं 1 काम किसके द्वारा हुआ रीना के द्वारा हुआ तो 1 काम रीना किस एफिशिएंसी अगर रीना अकेले काम करती है तो 1 काम करेगी तो टोटल वर्क कितना है 48 तो 48 काम वो रीना के द्वारा अगर करवाया जाए बोल सर रीना विल डू इट इन तो रीना कितने दिन में करेगी अगर रीना के द्वारा कराया जाए रीना के द्वारा किया जाए तो हम क्या करें यहाँ से दोस्त देख सकते हैं यहाँ से ये क्वेश्चन अगर रीना के द्वारा किया जाए काम तो रीना कितना दिन में करेगी टोटल वर्क कितना है 48 टोटल वर्क कितना है 48 ये आपका 48 हो गया काम रीना के द्वारा काम कितना किया जा रहा है 1 फ्रेंड्स ये 1 ये ध्यान दिया रितिका 3 दे में ये दोनों मिलकर 4 करे तो रितिका तो यहाँ 3 थी ना रितिका टोटल वर्क कितना की 3 और रीना प्लस 1 करेगा तब तो आपको 4 आए तो रीना कितना की है 1 तब ये 4 तो रीना तो 1 से आप डिवाइड करते हैं 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना 48 डे रीना कंप्लीट करने में कितना दिन लेगी रीना 48 डे कंप्लीट करने में लेगी ये आपका हुआ दो एक और हम ये आपका 48 डेज में रीना करती है ये आप देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स इसका जो आंसर आया तो रीना कितना दिन में काम करती है 48 डे दोस्त यहां देख रहे हैं कितना एलसीएम से गुजरना पड़ रहा है तो हम एक बात ध्यान दीजिएगा पिछले हम जब क्वेश्चन स्टार्ट किए तो वहां पे हम बताए थे कि यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दीजिएगा वहां पे हम लोग बताए थे कि दो पर्सन एक पर्सन कितने दिन में करता है बी कितने और दिन में करता है तो दो पर्सन के लिए एक सटीक अप्रोच बताए थे कि एक देखिए एक काम को कुछ दिन में एक दिन में कर रहा है और वाई एक काम को सॉरी बी एक काम को वाई दिन में कर रहा है अगर ए प्लस बी दोनों को मिलकर काम को करना है तो कितना दिन में करते थे इसका हम बताए थे एलसीएम से तो बना ही सकते हैं लेकिन हमको शॉर्टेड टाइम को हमको बचाना है टाइम को बचाना है तो टाइम को बचाने के लिए क्या करेंगे तो ए प्लस बी तो क्या करते हैं एक्स इंटू वाई दोनों का वर्क का जो डे का मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी दोनों का डे का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का
डे को हम कर देते हैं, इस मेथड से हम बना लेते हैं, बताए थे। लेकिन यहां जो है कि एक यहां क्या है, इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आया कि रीना जो रितिका थी, रितिका एक काम को 16 डेज में कर रहे हैं, मान लीजिए रितिका एक काम को 16 डेज में कर रहे, ठीक है, रितिका जो थी रितिका 16 डेज में की, और रीना प्लस रितिका कितना देर में कर रहे हैं भाई, रीना प्लस आर को पहले रितिका है, रीना है समझ लीजिएगा, ये कितना 12 डेज में की। इस क्वेश्चन को हमको इतना बनाने के लिए इतना से गुजरना पड़ा, शॉर्टली हम क्या कर सकते हैं तो इसी से हम बना लेंगे, ये जो हम अप्रोच बताए थे इसी अप्रोच से बना लेंगे। सिर्फ हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 16 × 12, ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हम इस प्रोसेस में टोटल वर्क, हम टोटल वर्क को तो यहाँ माइनस करेंगे तब तो यहाँ पे इसका वर्क आया, तो यहाँ पे हमको माइनस करना है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल 16 माइनस कितना 12, हाँ 16 माइनस 12 आप कीजिएगा तो यहाँ होगा आपका 16 × 12 और यहाँ आ जाएगा 4। देखिए दोस्त 4 है, इसको आप डिवाइड कीजिएगा 4 × 3 = 12, ये डायरेक्ट हम आंसर पर पहुंचे 4 × 16 × 3, ये कितना होगा 48 डेज। दोस्त ये क्वेश्चन एग्जाम होता है, आज का क्लास इतना में समाप्त होता है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आज हमें जितना टाइम है वो 1 से 5 तक करवाए थे, और ये वीडियो जो भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बात और दोस्तों को साथ शेयर ना करना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।